शाम को जब मैंने फोन लगाया परम पूज्य राजेश्वर जी महाराज को, तो किसी ने फोन उठा के बताया कि अभी कानपुर में सभा चल रही है, मैं मंच पर बैठे, और मैं एकदम इस अवस्था में आ गया कि अभी कानपुर में है, कल जबलपुर में कैसे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पवन पुत्र हनुमान जी की विशेष कृपा, उनका हमेशा हमारे बीच आदरणीय श्री मेरे बड़े भाई श्री रामेश्वर निकरा जी उपस्थित थे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर महाराज जी का स्वागत करें। मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर पवन स्थापक ने मुझे विषय वस्तु रखने कहा है, लेकिन चूंकि बीच में एक दूसरी बात मैं करना चाहता था, अस्पताल में एक मरीज आया जिसको कि कई हड्डी टूटी थी, बहुत मारा था नरसिंहपुर के कुछ लोगों ने। मैंने उससे पूछा क्यों मारा है, तो उसके जो साथ लेने लेके आए थे उन्हीं ने मेरे को बताया कि एक पुड़िया देता था नशे की, और उसने अभी कुछ दिन पूर्व पुड़िया देना बंद कर दी थी, तो चूंकि पुड़िया देना उसने नशे की बंद कर दी थी तो उसको खूब मारा। मुझे लगा कि राम कथा की जो नशे की पुड़िया है, गत वर्ष मेरी गलती से यहाँ के जो राम भक्त हैं, जो भक्तगण हैं, उनको नहीं मिल पाई, लेकिन मेरी वो गत नहीं की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधु। एक और बात, मैं सोच रहा था कि गांव का मुर्गा जब बांग देता है तो वो सोचता है कि सूर्योदय तभी होगा जब मैं बांग दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि राम कथा की जो सूर्योदय इस शहर में, उसके लिए किसी मुर्गे की किस बांग की आवश्यकता नहीं है। मैं निमित्त भी नहीं हूं, सूर्योदय होना ही है, राम कथा इस शहर में होना ही, कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा। यहां की तासीर ही ऐसी है कि राम कथाएं लगातार होती हैं और राम भक्त उसके लिए हमेशा प्यासे रहते हैं। मैं विषय विचार कर रहा था, सोच रहा था कि क्या विषय हो, इतने में मेरे मोबाइल बजा, मोबाइल में एक ओंकार सतनाम ये धुन है, कई लोगों के मोबाइल में होगी। मैंने कहा विषय मिल गया, नाम की महिमा का विषय। तो लगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, ये भी विषय हो सकता था। अचानक मुझे याद आया कि इजिप्ट में जब मैं गया था तो वहां के ग्रंथालय में मुझे रामचरितमानस भी देखने मिला, वहां की एम्बेसी में भी रामचरितमानस बड़े चाव से पढ़ा जाता था, भारतीय एम्बेसी। और अटपटा जरूर लगता होगा, आप सब जब रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो लगता होगा कि अचानक ये संस्कृत और अवधि की भाषा बोलने वाला तुलसी बाबा अचानक गरीब निवास शब्द का उपयोग क्यों करता है। मुझे लगता है कि उसके पीछे एक गहन बात होगी जिसका विवेचन तो स्वामी जी निश्चित ही करेंगे। मुझे लगा कि गरीब निवास का उपयोग करना वो एकत्व का गीत गाने की इच्छा रही होगी, कि रामचरितमानस को विश्वव्यापी विश्व एकत्व का गीत बनाने की भाव रहा होगा तुलसीदास जी में। नहीं तो वे ऐसा भी लिख सकते थे, राम अनेक दीन उद्धारे, संख्या पूरी मिलती है 13 मात्रा की, राम गरीब अनेक निवासे लिखने के पीछे कोई संख्या या व्याकरण की बात नहीं रही होगी। मुझे लगता है यह विषय आज के लिए काफी उपयोगी है, काफी अच्छा विषय होगा, नाम गरीब अनेक निवासे। और मैं अनुरोध करूंगा आप इस विषय को ध्यान से सुने और कल और अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हो। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए। जय श्री राम। मैं अनुरोध करूंगा परम पूज्य मानस राजहंस श्री राजेश्वर जी महाराज से कि वे कृपया कथा प्रारंभ करें। Song.
भगवत चरण कमलानुरागी बंधु श्रद्धा प्रिय माता, सबसे पहले आप सभी के प्रति मानस की भावधारा के अनुरूप मैं अपना प्रणाम आपको निवेदित करता हूँ। सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुबानी। भगवान की कृपा के साथ साथ इस आयोजन में जिनकी श्रद्धा मुख्य हेतु रहती है, ऐसे हमारे परमात्मीय भगवत भक्त डॉक्टर श्री अखिलेश कुमास्ता जी का बहुत साधुवाद, जो ऐसे आयोजन में भगवत कृपा से निमित्त बन के वक्ता और श्रोता को भगवान के गुणों से जोड़कर उनके जीवन को धन्य होने का अवसर प्रदान करते हैं। श्री रामचरित मानस के इस पावन प्रसंग की चर्चा आरंभ हो, जिसके बारे में अभी श्री डॉक्टर साहब ने बताया, उसके पूर्व परंपरानुक्रम में प्रीति पूर्वक श्री भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हम लोग श्री रामचरित मानस के इस पावन प्रसंग का रसास्वादन भगवत कथा के रूप में करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
को वेद हूँ को अंत नाही, वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु, राग है रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म सुधारा चहो तो राम नाम ली, जन्म सुधारा चहो तो राम नाम ली। सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से विमुक्ति नर पाता, यज्ञ और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता। पूजा से मिलते प्रभु भैरव द्वापर परम निराला। अब कलि ने कहा तार दूं पल में जपे नाम की, श्री सीताराम चरणाम पूज छंचरीक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड में नाम महिमा के संदर्भ में अपनी भावाभिव्यक्ति विभिन्न पंक्तियों के माध्यम से करते हैं, उसमें यह एक पंक्ति है। नाम गरीब अनेक निवाजे। पहले तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने यह शब्द अपनी सहजता के कारण चुना, सरल साधुता के कारण चुना है। भाषा के कारण हमारे बीच में भेदपूर्ण जो दुर्व्यवहार है उसका जन्म क्यों हो। हाँ, अपनी अपनी निष्ठा में रहना ठीक है, पर भाषा को ही आधार बनाकर जहां
भाषा दिल जोड़ने वाली होनी चाहिए और वहां भाषा से ही दल बनने लगे तब तो कठिनाई है। और एक दल हो तो दल, और कई दल हो तो दल दल, फिर उस दल दल से निकलना मुश्किल। तो मुझे लगता है कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने वे मान्य महामति मानव थे, सब जाति लगी उनको कुल सी, तुलसी दल में दल ही दल है, पर दूर रहे दल से तुलसी। तुलसी दल में दल ही दल है, पर दूर रहे दल से तुलसी। और यह भी कहना होगा, आज भाषा के नाम पर आग्रह के कारण समाज टूट रहा है। आज देश में दलबंदी का मचा बड़ा दलदल है, और सबसे मुक्ति दिलाने वाला अपना तुलसी दल है। तुलसीदास जी महाराज सबसे चुन लेते हैं शब्द, उन्हें गरीब रिवाज शब्द अच्छा लगा, बस अच्छा लगा। अच्छा, और एक बात और भी है, कोई किसी को गरीब रिवाज के रूप में देखता हो, पर तुलसीदास जी किसे देखते हैं? सरल सबल साहिब रघुराज,
लेकिन एक बात और कही, क्या? राम जी को गरीब नवाज कहा मानस में और विनय पत्रिका में, नाम गरीब निवाज क्या है? श्री तुलसीदास जी बोले अंतर यही है कि राम जी ने जिन गरीबों को निभाया वे गिने जा सकते हैं, उनकी गिनती हो सकती है, गणना हो सकती है। सुग्रीव जी का दुख दूर किया भगवान ने, विभीषण जी का दुख दूर किया भगवान ने, केवट से मिले, शबरी से मिले, यही राम जी गरीब नवाज तो हैं, पर राम जी ने जिन गरीबों को निभाया वे गिने जा सकते हैं। लेकिन राम जी का नाम ऐसा गरीब नवाज है कि राम जी के नाम ने इतने गरीबों को निभाया कि जिनको गिना नहीं जा सकता। राम जी जिन गरीबों को निभाते हैं वे गिने जा सकते हैं, पर नाम ने, इसलिए तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि राम जी के नाम ने कितने गरीबों को निभाया, दो चार दस बीस सौ दो सौ। तुलसीदास जी बोले हमारे पास तो एक ही शब्द है, नाम गरीब परिभाषा यह है कि जिसके पास धन ना हो वह गरीब, जिसके पास धन ना हो वह गरीब है, और धन मिल जाए तो उसकी गरीबी दूर हो जाए। पर अगर व्यक्तियों को, असहाय लोगों को तुलसीदास जी गरीब की दृष्टि से देखते हैं तो फिर धन कौन सा है? धन क्या है? श्री सूरदास जी ने कहा, जो तू राम नाम धन धर तो राम नाम धन धर तो जो तू राम नाम धन धर तो राम नाम का धन इकट्ठा किया होता तो तुम गरीब न रहते। और ये धन गरीबी दूर नहीं कर सकता, भजन का धन ही मन की गरीबी दूर करेगा।
और भजन का धन मन की गरीबी नहीं तन की भी गरीबी दूर करता है। एक ही साधे सब सधे, ये धन है। अच्छा सूरदास जी कहते हैं ये धन है, और तुलसीदास जी से पूछा आप बताओ श्री राम नाम आपके लिए क्या है, का राम नाम हमारे लिए मणि। पायो नाम चारु चिंता मणि। अच्छा और एक जगह और राम नाम मणि दीप धर मणि, और मणि अत्यधिक कीमती मानी जाती है, धन का ही रूप है। मैं इसे एक बार चर्चा कर रहा था कि मणि धन का रूप है मणि, तो एक सज्जन मुझसे बोले बोले हो सकता है वो मणि शब्द ही आजकल अंग्रेजी का मनी हो गया, मणि मनी। हमका आपकी अपनी भावना है, लेकिन इतना जरूर है कि राम नाम मणि है, राम नाम चिंता मणि है, और जिन्हें मणि समझ में ना आवे वे अपने मन को समझा लें कि आजकल की भाषा में भी राम नाम ही मणि है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि राम नाम मणि, सूरदास जी कहते हैं कि अगर ये होता जो तू राम नाम धन धरतो तो पछिलो जन्म आगिलो तेरो दो जन्म सुधरतो। हो तो नफा साधु की संगति भगत नाम तेरो परतो, तंदुल घेरत समर्प श्याम को संत परोसो करतो। तो इस धन के कारण ही अजय एक बात था, किसी राजा महाराजा के कोई गरीब आदमी जाना चाहे तो राजा को भले ही कठिनाई ना हो पर राजा के सेवक ही नहीं घुसने थे, प्रवेश नहीं करे जन तमाम और बेचारे की राजा तक तो खबर भी नहीं पहुंच पाती। पर एक बड़े विद्वान पंडित जी थे, अत्यंत निर्धन थे, सोचने लगे राजा के पास जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा। गए और उनकी जो दशा देखी, मैले पुराने फटे चिथड़े कपड़े दुर्बल देह, सेवकों का कैसे आए चलो, ऐसे वैसे लोग नहीं जा सकते, खास लोग ही जा सकते हैं। तो पंडित जी बोले हम उनके खास ही हैं, खास हो हाँ, रिश्तेदारी है हमारी उनकी, आप कौन है उनके। तो पंडित जी ने बड़ी युक्ति के साथ एक बात कही कि हम उनके ऐसे रिश्तेदार हैं कि हमारी और उनकी ससुराल एक ही घर में है। महाराज की ससुराल एक ही घर किससे उन्होंने कहा हो सकता है कि भाई वो लगता तो नहीं है, पर फिर कहा कि शायद कहीं हुआ तो अपनी मुसीबत होगी। तो जाके कहा डरते डरते कि साहब आपके साधु भाई मिलने आए। राजा ने सोचा कि मेरी ससुराल जहाँ है वहां मेरी पत्नी की कोई दूसरी बहन है ही नहीं, ये कहां से आ गई। महारानी से भी जाकर भीतर पूछा कि कोई तुम्हारे परिचय में ऐसे नहीं, मैं अकेली। राजा साहब ने कहा बुलवाओ। पंडित जी तो द्वारपुरी खड़े थे, सेवकों का चलिए। अब लोग हंसते थे कि ये उनके रिश्तेदार ये, लेकिन गए। राजा ने देखा ब्राह्मण देवता है, इन्होंने कोई बात कही होगी तो कुछ सोचकर कही होगी, लेकिन मैं भी तो समझ लूं। उन्होंने कहा आइए विप्र देवता आपका स्वागत है, मैं प्रणाम करता हूं आप विराजे। आपने परिचय बड़ा विचित्र दिया, आपका हमारा संबंध ससुराल एक जगह, यहां तक पहुंचने के लिए कोई कल्पित बहाना तो नहीं बना लिया, अगर बहाना भी बनाया हो तो क्षम्य है आप।
पर ब्राह्मण देवता बोले बहाना नहीं बनाया, शत प्रतिशत सही कह रहा हूं। तो राजा ने कहा स्पष्ट करो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज आप राजा हैं, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, हमारा आपका संबंध इसलिए है संपत्ति विपत्ति सहोदरी, संपत्ति विपत्ति सहोदरी उपजी एक ही अंग, और संपत्ति तो तू साथ गई विपदा मेरे संग, ये एक ही घर से होगी संपत्ति भी और विपत्ति भी। संपत्ति का विवाह आपके साथ हो गया, विपत्ति का विवाह आप संपत्ति के साथ जीवन बिता रहे हैं, मैं विपत्ति के साथ जीवन बिता रहा हूं। राजा बड़े प्रसन्न हुए, बात तो सही है, गरीब और अमीर का ऐसा ही संबंध है, निर्धन का और श्रीमंत का ऐसा ही संबंध है। लेकिन श्री तुलसीदास जी ने भी कहा लच्छ अलच्छ रंक अवनीसा, श्री लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी ये भी दोनों में, लक्ष्मी जी भी और दरिद्रता ये दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि पिताजी को हम ज्यादा अच्छे लगते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा तुम क्यों अच्छे लगोगे, तुम्हारे आते ही सारे द्वंद उत्पन्न होते हैं, मैं अच्छी लगती हूं, मैं जहां जाती हूं वहां सब सुख हो जाता है। दरिद्रता ने कहा मैं वो नहीं जानती, लेकिन पिताजी तो मेरे भी हैं, मुझे भी चाहते हैं। दोनों पहुंच गई ब्रह्मा जी के पास कि फैसला करो, फैसला करो कि आपको कौन अच्छी लगती। अब ब्रह्मा जी की बड़ी मुसीबत, किस बेटी को कह दे कि तुम अच्छी नहीं लगती, और ये झगड़ा मिटे कैसे। पर ब्रह्मा जी तो बुद्धि के देवता हैं, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुम मेरी दोनों बेटियां दोनों ही अच्छी लगती, बोले ऐसे नहीं प्रमाण सहित सिद्ध करो। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा तुम ऐसे तो फैसला कैसे करें, तुम थोड़ा चलकर बताओ। ये तो लक्ष्मी जी चली, संपत्ति ने चलकर दिखाई, अब कहा विपत्ति से तुम भी चलकर दिखा, तो विपत्ति। ब्रह्मा जी बोले दोनों ही अच्छी लगती है, दोनों ही। कहा दोनों कैसे, ब्रह्मा जी ने कहा संपत्ति तुम आते अच्छी लगती हो, विपत्ति तुम जाते अच्छी लगती हो, दोनों ही अच्छी लगती हो। एक आते अच्छी लगे और एक जाते अच्छी लगे। तो आप देखो एक सामान्य गरीब आदमी किसी बड़े राजा के दरबार में प्रवेश नहीं कर पाता, और अगर उसके पास धन हो तो कोई रोकता नहीं, जाइए जाइए आप चलिए, और ऐसे ही कोई देखो एक तरफ रहिए और जिसको आप चलो, और वो ठिठकेगा कि मैंने आपसे नहीं करे, इनसे कर तुम इस तरफ रहो चलो, ऐसा प्राय होता है। पर श्री तुलसीदास जी महाराज नाम नाम को मणि कहते हैं और सूरदास जी धन कहते हैं, तो कहा कि अरे गरीब व्यक्ति सामान्य राजा की तो बात जाने दे, जगत के राजा भगवान के दरबार में जब प्रवेश का अवसर आएगा तो अगर राम नाम का धन होगा तो जो तू राम नाम धन धरतो तो सूरदास वैकुंठ पैठ में तेरी को न फेंट पकड़तो, जो तू राम नाम धन धरतो। ये राम नाम धन है, जन के जन जान की जीवन को जगवे जननी सुभई जननी, मति मंजुल साधु सराहत सो सिय राम स्नेह सनी हो घनी, धन धन्य धनी हरि नाम धनी, धन धन्य धनी हरि नाम धनी, जब और धनी न धनी न धनी, जिनकी न बनी रघुनंदन सो तिनकी न बनी न बनी न बनी। कबीरदास जी भी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो, राम नाम धन। अरे ये राम नाम मिलता किनसे,
गुरुजनों से भगवान का नाम मिलता है और इसी नाम के लिए भक्तिमती माता मीरा के